कर सकते नहीं है, करते हैं। आपकी बातों से ऐसा लगा कि आप लोग गांव में इतना एकजुट है, क्या पिछली रात को बैठते हैं और आप में आपस में मन विवाद बनाते हैं, वाद बनाते हैं, तो हम किसको जिताएंगे इस बार? जी हम ये सोच रहे हैं कि कैंडिडेट अच्छा है हमारा, जो कैंडिडेट अच्छा है हम उसी को वोट देंगे। मैं आपका आपके सामने नाम नहीं खोलना चाहता। गाँव के बाहर के सर ये हैं, जो पौर बाकी लोग हैं वो गाँव अपने गाँव में विकास करते हैं, गाँव से बाहर नहीं विकास करते हैं, इसलिए हम अपने गाँव के कैंडिडेट को ही चुने हैं। प्रिया सैनी को क्यों दे रहे हैं आप ब्रिजेश सैनी और प्रिया सैनी को? वो गांव के लिए अच्छा काम करते हैं, इसलिए उनके लिए ही हमारा समर्थन है। भाई पहले भी क्या उन्होंने कार्य जनता के बीच में आगे अब भी करेंगे और अच्छा कार्य करेंगे, इसलिए हम प्रिया सैनी को सपोर्ट करेंगे। कर सकते नहीं है, करते हैं। आपकी बातों से ऐसा लगा कि आप लोग गांव में इतना एकजुट है, क्या पिछली रात को बैठते हैं और आपस में मन विवाद बनाते हैं, वाद बनाते हैं, तो हम किसको जिताएंगे इस बार? नमस्कार, मैं प्रवेश राय, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद है सांतरसा में, जिला पंचायत बडेड़ी राजपुताना, गली गली गाँव गाँव घूम के जिला पंचायत की बताएंगे किसको कैसा समर्थन मिल रहा है। आइए बातचीत करने के लिए कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे इस बार बडेड़ी राजपुताना से। किसको समर्थन कर रहे हैं आप लोग जिला पंचायत में? विजय सैनी, प्रिया सैनी। मतलब किस कौन सी पार्टी से हैं वो? जिला पंचायत। पार्टी कौन सी है? बीजेपी। मतलब क्यों ऐसा क्या किया उन्होंने कि आप उनको समर्थन? गांव के उसमें अच्छा रहता है उनका समर्थन भी, से गांव में अच्छे से देख रेख भी करते हैं, तो इसलिए सभी को उनका वोट जा रहा है। देखिए काफ़ी ज़रूरी है महिलाओं को आगे बढ़ के आने के लिए, बातचीत रखने के लिए। अपनी जब बातचीत महिलाएं आगे रखेंगी तभी कहीं ना कहीं महिलाओं की बातों पे ध्यान दिया जाएगा। ऐसे ही हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। इस बार आप किसको समर्थन दे रही हैं जिला पंचायत में? प्रिया सैनी। मतलब क्या कार्य किए उन्होंने आप लोगों के बीच में, कभी आई हैं वो? अच्छा काम करा उन्होंने, मतलब इसीलिए जिला पंचायत में उनकी अच्छी वोट पता चल रही है। देखिए और भी लोग मौजूद हैं कैमरे के सामने, कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं कि बोलने में झिझक होती है, हमारा तो काम है, कहीं ना कहीं आदत पड़ चुकी है बात करने की आप लोगों से, तो ऐसे और भी लोग मौजूद हैं। इस बार किसको समर्थन दे रही हैं आप? विजय सैनी, प्रिया सैनी को। क्यों दे रही हैं आप ब्रिजेश सैनी और प्रिया सैनी को? वो गांव के लिए अच्छा काम करते हैं, इसलिए उनके लिए ही हमारा समर्थन है, उन्हीं को हमारा वोट जाएगा। क्या काम किया उन्होंने गांव में? वो अगर किसी से कुछ भी बात करते हैं तो अच्छे से बोलते हैं, और शिक्षा के उसमें भी अच्छा काम किया है उन्होंने। यहाँ पर कई स्कूल भी बनवा रखे हैं, बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है। देखिए सारे प्रत्याशियों को इस चीज़ पे ध्यान देना होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों की बातचीत करने से भी वोट मिलती है। जिस तरीके से महिलाओं ने बताया कि प्रिया सैनी, ब्रिजेश सैनी अच्छे से बात करते हैं, तो इस तरीके से देखिए महिलाएं इस चीज़ पे अच्छे से बात करने पे ही आप लोगों को वोट दे देंगे। कुछ युवा मौजूद है, बातचीत करेंगे इनसे। इस बार आप किसको समर्थन दे रहे हैं? प्रिया सैनी भाई को, ब्रिजेश सैनी को। क्यों दे रहे हैं आप ब्रिजेश सैनी भाई? चुनाव चिन्ह क्वाड़ा, इन्होंने अच्छे काम किए हैं और गाँव के बीच रहते हैं, और गाँव के बाहर के सर ये हैं, जो पौर बाकी लोग हैं वो गांव अपने गांव में विकास करते हैं, गांव से बाहर नहीं विकास करते हैं, इसलिए हम अपने गांव के कैंडिडेट को ही चुने हैं, प्रिया सैनी को ही चुने हैं अब। और 2500 प्लस वोट लेकर जा रही है हमारे गांव से। आप युवा हैं, कहीं ना कहीं आपकी बात कहने हैं कि 2500 वोट से प्लस लेकर जा रही हैं। आप युवा हैं तो आप लोगों के कुछ किया हो या फिर आप लोग उम्मीद रखते हो कि जीतने के बाद हमारे लिए ये कार्य कराए जाएं? भाई पहले भी क्या उन्होंने कार्य जनता के बीच में आगे अब भी करेंगे और अच्छा कार्य करेंगे, इसलिए हम प्रिया सैनी को सपोर्ट करेंगे। क्या मतलब नीति क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं कि अगर वो जीत जाए तो आप लोगों के लिए क्या कराएं? भाई गांव में विकास करें, सड़कें डलवाएंगे, और वो तो कहीं ना कहीं वो कार्य तो सबको चाहिए। आपके युवा होने के नाते कहीं खेल का मैदान हो, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए कुछ ऐसी? शिक्षा में तो ये सबका ही साथ देते हैं कि इनका अरोमा कॉलेज भी है और एक आलाल स्कूल भी है इनका, तो शिक्षा के बीच तो ये बिल्कुल पहले से ही है, सबको सपोर्ट करते हैं शिक्षा में। तो ये खेल का मैदान में इनके कॉलेज में कोई भी जाओ, बहुत बड़ा मैदान है, कोई भी कर लो, कुछ प्रोग्राम कर लो, चाहे बच्चे खेल लो, किसी को कोई मना नहीं है। देखिए इसी तरीके से सांतरसा में बातचीत करने पे जिस तरीके से महिलाओं का साफ तौर से कहना है कि ब्रिजेश सैनी, प्रिया सैनी से बात की, उनको वोट देकर जिताएंगे, इसी तरीके से और आगे चलेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं दोपहर का समय हो चुका है तो लोग खेतों में भी जा रहे हैं, गांव का माहौल है, ऐसी बात करने के लिए और लोगों से भी जुड़ेंगे। देखिए गांव-गांव गली गली में घूमते घूमते जब पहुँचे सांतरसा में तो लोगों से बातचीत की, बातचीत करने के बाद दोपहर का समय था तो लोग कम लोग मिल रहे हैं, कोई घर में है, कोई कहीं है, कोई खेतों में गया हुआ है, ऐसी और लोग कुछ लोग बैठे हुए थे, इन लोगों से बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ, इनसे पूछेंगे इस बार आप जिला पंचायत में किसको समर्थन कर रहे हैं? देखो साहब, हम जिला पंचायत में एक अच्छे कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं, जो कैंडिडेट किसी पार्टी या किसी भी चीज़ से मतलब ना समस्या पैदा हो, हमारा कैंडिडेट अच्छा हो, बट हमें किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमारा गांव है, इसमें सब लोग एकजुट होकर अच्छी तरह से रहते हैं,
किसी में कोई भेदभाव नहीं है, सब एकता के प्रतीक है, एकता के से रहते हैं, कोई भी जाति धर्म वाला कोई भेदभाव नहीं किसी भी तरह का। हम चाहते हैं कि कोई हमारा अच्छी कैंडिडेट हो, वो किसी भी पार्टी का हो, हमें उससे मतलब नहीं है, चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, बसपा से हो, किसी से भी हो, लेकिन वो अच्छा कैंडिडेट हो जो हमारी सुने, हमारे गाँव का विकास करे, अच्छे काम करे, अच्छे कार्य कराए, जो योजना ऊपर से आए उन्हें पब्लिक गरीब पब्लिक तक पहुँचाए, इस तरह का हमें कैंडिडेट चुनना है। अब हमें ये देखना है कि वो कैंडिडेट हमारा कौन सा है। अभी आने का दो तीन दिन रह गए, दो भी आज की तारीख बताएंगे आप? आज 22 तारीख है। वोट कब पड़ेगा? 26 में पड़ेगा। चार दिन रह गए हैं। चार दिन में हमें चुनना है कि हमारा अच्छा कैंडिडेट। हमें का मतलब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि गाँव में इतनी एकजुटता है कि चुनाव से पिछले रात सारे लोग बैठ के आपस में बातचीत करते हैं, किसको जिताएंगे? हाँ बिल्कुल, बातचीत कर सकते हैं। कर सकते नहीं है, करते हैं। आपकी बातों से ऐसा लगा कि आप लोग गांव में इतना एकजुट है कि आप पिछली रात को बैठते हैं और आप में आपस में मन विवाद बनाते हैं, वाद बनाते हैं कि हम किसको जिताएंगे इस बार? जी, हम ये सोच रहे हैं कि कैंडिडेट अच्छा है हमारा, जो कैंडिडेट अच्छा है हम उसी को वोट देंगे। मैं आपका आपके सामने नाम नहीं खोलना चाहता, बट हम उसी को। देखिए, वो आपका मूल अधिकार है, मैं आपसे नाम भी पूछने का हक मेरा भी नहीं है, बस मेरा काम है आप लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने का, सरकारी की बात आप लोगों तक पहुंचाने का। मैं यही आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या अभी तक कुछ मन बनाया या सोचा कि किसको जिताएंगे? हाँ, हमने मन बना लिया है, हमारे गांव से है अच्छा कैंडिडेट है जो हमारे सुनेगा भी और सुनता भी है, बट वो पहले राजनीति में नहीं आया था, अब वो उतर चुका है, तो हम उन्हीं को समर्थन करेंगे। मैं आपको उनका नाम नहीं खोलना चाहता। देखिए, वाद विवाद के डर से कहीं ना कहीं लोग नाम भी नहीं खोलना चाहते हैं। इसी तरीके से और भी लोग मौजूद है, बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि इस बार आप जिला पंचायत में किसको समर्थन दे रहे हैं? शकील भाई को। कौन सी पार्टी से है वो? जिला पंचायत। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी। मतलब ऐसा क्या किया है उन्होंने कि आप लोगों के बीच में, मतलब ऐसा क्या, या फिर पूर्व समय में आप लोगों के बीच में रहे हों, मतलब क्यों, क्या मतलब? देखिए, कहीं ना कहीं वोट देंगे आप, अगले 5 साल आप देखेंगे कि ये आदमी हमारे लिए क्या कराएगा, क्या सोचा आप? बस जब भी हमें उनसे काम पड़ता है, हम किसी को भी पड़ता है काम, उनका सभी से काम अच्छा कराते हैं। किस तरीके का काम पड़ा आपको अभी तक? हमें तो हर चीज़ का काम पड़ता है, हमारे काम को कोई मना नहीं होती। अब देखो, जिसको पड़ता है वो जाएगा, तभी सबकी बात है, अपना अधिकार है किसको कहाँ वोट देने का, आपका मत अधिकार है, तो आप शकील भाई को वोट? जी, शकील भाई को वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी। कौन से गांव से हैं वो? वो बढ़ेड़ी, मैं रामतपुर से हूँ, बस जितना ही कहना चाहता हूँ। तो मतलब आप तो इतना कहना चाहते हैं, लेकिन अगर आप शकील भाई को जिता रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी तो बताइए ना कि उन्होंने ऐसा क्या किया है, या फिर पूर्व समय में उन्होंने ऐसा आप लोगों के बीच में क्या कार्य किया है, या फिर आगे आने वाले 5 साल में ऐसा क्या कार्य करेंगे आप लोगों को उम्मीद है, या फिर वो किन वादों को लेकर आपके बीच पहुंच रहे हैं? हमें तो अभी पता लगा है उनके बारे में, अभी इसी साल हमारी वोट बनी है, हम उन्हें वोट देकर जिताएंगे। नहीं, वोट तो आपकी इसी साल बनी है, लेकिन पता तो पहले से होता है ना आदमी को जो गांव में रहता है कि हमारे वो हैं, ये हैं। जी, आप कह रहे हैं कि मैं बहुत पहले से उनके पास जाता रहता हूँ, मेरे काम भी हैं, मैं काम भी कराने के लिए जाता हूँ, ये बात आपने कही ना, तो बस फिर वही पड़े जाते हैं, सभी कराते हैं काम। तो देखिए, शकील, कुछ लोग हैं शकील के समर्थन में, कुछ लोग नहीं भी बता रहे हैं, कुछ लोग बता भी रहे हैं कि किसको समर्थन दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 26 को मतदान होगा, 28 को मतगणना। देखिए, ऐसे कुछ लोग और मौजूद हैं, कुछ युवा हैं, इस बार आप किसको समर्थन दे रहे हैं? मैं किसी को दे रहा। देखिए, कैमरे से लोग बचते हुए नजर भी आते हैं, कैमरा मतलब झिझक होती है कहीं ना कहीं कैमरे की, इतनी कि लोग कैमरे से बचते हैं। इसी तरह की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।